हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं। एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का कब तक आ सकता है, पोस्ट प्रेफरेंस आपसे कब फिल कराया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो कितने फेजेस में आने वाला है, साथ के साथ मेंस के अंदर कितनी अटेंडेंस रही, उसके बाद सीएचएसएल का रिजल्ट आपका कब तक आएगा, उसके अंदर आपकी अटेंडेंस कितनी रही और सीजीएल 2022 के अंदर आपकी जो वैकेंसीज डिक्रीज हो रही है वो पूरा का पूरा मैटर आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, पूरा वीडियो देखना जिससे कि आपके सभी के सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सीएचएसएल टीयर 1 2022 का जो था उसमें अटेंडेंस कितनी रही, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13,75,936 कैंडिडेट अपीयर हुए टीयर 1 के अंदर। टोटल फॉर्म आपके फिलअप हुए थे 32 लाख। अटेंडेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो परसेंटेज के अंदर आपकी 42.98% अटेंडेंस यहाँ पर आपकी सीएचएसएल टीयर 1 के अंदर 2022 के अंदर आपकी रही थी। ये आपका आरटीआई का रिप्लाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया, तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं सीजीएल टीयर 2 के अंदर अटेंडेंस कितनी रही, तो इसका भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके जो टोटल क्लियर किए थे टीयर 1 को जो कैंडिडेट थे वो थे 3,60,000, ठीक है, जिसमें से अपीयर हुए 3,70,599। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी रहे जिन्होंने डीएसटी को भी नहीं दिया, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज था, तो डीएसटी आपका और कंप्यूटर का जो टेस्ट था वो उसी दिन सेम डे होना था, ठीक है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ इसके में अगर हम लोग देखते हैं तो आपकी जो अटेंडेंस रही 87% रही। अगर यहाँ से अटेंडेंस देखते हो तो आपकी जो है 88% यहाँ पर अटेंडेंस आपकी रही है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं दोनों चीज़ों को। यहाँ पर डीएसटी जो स्किप किया था 1,554 कैंडिडेट ने डीएसटी को स्किप कर दिया, यानी कि टीयर 1 का टीयर 2 का पेपर दिया उन्होंने और उनको लगा कि पेपर हमारा बहुत खराब हुआ है इसलिए उन्होंने स्किप कर दिया, डीएसटी को दिया ही नहीं सेम डे, ठीक है। तो ये कैंडिडेट वैसे ही बाहर हो गए कंपटीशन से, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि आप तक रिजल्ट आपका जो है कब तक आ सकता है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि सीजीएल 2020 के अंदर आपका एग्जाम हुआ था 30 जनवरी को, रिजल्ट आपका आया था 26 अप्रैल को, तो लगभग 85 दिन लग गए थे और अगर देखते हैं तो अप्रॉक्स 3 महीने लग गए थे रिजल्ट को आने में 2020 के अंदर। वहीं 2021 की बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम था वो 8 अगस्त को हुआ था, रिजल्ट आपका 15 अक्टूबर को आ गया था, यानी कि 68 डेज सिर्फ लगे 2021 के अंदर, ठीक। अप्रॉक्स अगर बात करते हैं तो 2 महीने लगे आपके 2021 के फाइनल रिजल्ट को आने में। अभी 2022 का जो आपका रिजल्ट है वो कितने फेजेस में आने वाला है, किस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल कराया जाएगा वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप लोग सीजीएल 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस मॉक आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन अंदाज में मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री में, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के। उसके बाद आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं और आपको फुल मॉक भी मिलने वाला है। तो इनका पहला जो मॉक टेस्ट है आप लोगों को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं लगाकर। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हैं तो सीजीएल 2023 के लिए टीयर 1 के लिए मात्र 149 रुपये में आपको यहाँ पर 20 तो मॉक टेस्ट फुल मिलने वाले हैं और 30 आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, बाय नाउ पर क्लिक करके इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं। पहले इनका फ्री में जो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, साथ में टॉपिक वाइज सारे के सारे फ्री हैं, तो उनको आप लोग चेकआउट कर लेना। प्रैक्टिस मॉक के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो आप लोग उसको एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। पहले बात करते हैं आपका रिजल्ट जो है उसका प्रोसेस इस बार क्या होने वाला है, तो ये नोटिफिकेशन से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 16.7 और 16.8 के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उससे पहले यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख लीजिए, इससे पहले आपका जो रिजल्ट है 2021 के अंदर वो किस तरह से आया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि पहले आपका क्या होता था, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 सारा का सारा यहाँ पर कंपाइल करके आपका जो है रिजल्ट निकाला जाता था पूरा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता था, उसके बाद आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फिल कराया जाता था, फिर उसके बाद आपका जो है फाइनल मेरिट वाला लिस्ट आपकी एक आती थी जिसके अंदर आपका रिजल्ट होता था। लेकिन 2022 के अंदर पूरा का पूरा जो आपका पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है, तो किस तरह से आपका रिजल्ट आने वाला वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है आपका प्रेफरेंस ऑफ वेरियस पोस्टेड एंड डिपार्टमेंट विल बी टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम द वेबसाइट टू ऑफ द कमीशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फाइनल रिजल्ट। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी तक आपका क्या होता था फाइनल रिजल्ट के बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस आपसे फिल करवाया जाता था, लेकिन अब क्या है फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 और टीयर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे कि आपको पता है ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये है आपका सेक्शन 3 जिसके अंदर कंप्यूटर है आपका, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और सेक्शन यानी कि टीयर 2 का आपका जो है सेक्शन 2, और ये है आपका सेक्शन 3 है इसमें आपका है डीएसटी, ये दोनों के दोनों आपके जो है क्वालिफाइंग नेचर के, इसकी बात की जा रही है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 16.6 बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, ठीक है, एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इवेल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3
ऑफ पेपर वन टीयर टू एग्जामिनेशन, यानी कि अगर 390 नंबर के अंदर आपका जो आपका जीके रीजनिंग और इंग्लिश और आपका मैथ जो आपका हुआ था उसके अंदर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तब आपका जो है यहाँ पर डीएसटी और सीपीटी आपका चेक किया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपका कब फिल कराया जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट से पहले पहले आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस इस बार फिल करवा लिया जाएगा, जो कि इसमें आपको पॉइंट नंबर 16.8 में लिखा हुआ दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो इस बार का ये है प्रोसेस कुछ, और बाकी रिजल्ट आपका किस कितने फेजेस में आने वाला है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है आपका रिजल्ट का प्रोसेस, ये आपका यहाँ पर जैसे अगर टीयर टू का जो रिजल्ट आपका आने वाला है 390 नंबर का, इंक्लूडिंग आपका रहेगा इसके अंदर सीपीटी और आपका डीएसटी, ये आपका एक रिजल्ट आने वाला है टीयर टू का। उसके बाद आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका जो है फाइनल रिजल्ट आने वाला है। पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते टाइम पर आप लोगों से पूछा जाता है कि आपको जो है किस जोन में कहाँ पर कौन सी वाली पोस्ट चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग जितने भी आपके 300 नंबर में से 90 में से जितने भी नंबर्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहां पर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है। ये आपसे ऑनलाइन फिल करवाया जाएगा, इसके लिए आपको हार्डली 15 से 20 दिन जो है आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन आपका प्रोसेस होने वाला है, तो इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से करना है। और भी चीजें मैं आपको गाइड करता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अब बात करते हैं CHSL 2022 टीयर वन का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है। मिड मे एक्सपेक्टेड आपकी डेट है, नोटिफिकेशन आपका आया था दिसंबर के अंदर, एग्जाम आपका 9 मार्च से 21 मार्च 2023 के बीच में करवाया गया था। उससे पहले के रिजल्ट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, CGL 2021 टीयर वन का जो रिजल्ट है वो किस तरह से आया था, टीयर वन की बात कर रहे हैं। उसके बाद CHSL 2021 टीयर वन का रिजल्ट कितने दिनों में आया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। CGL 2022 टीयर वन का रिजल्ट किस तरह से निकाला था SSC ने वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका इस डेट तक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपकी जो CGL 2022 के अंदर यहाँ पर 2022 लिखा हुआ है, ठीक है, वैकेंसीज आपकी जो है डिक्रीज हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, तो मैंने आपको आरटीआई के रिप्लाई सारे के सारे दिखाए हुए हैं। और अगर घटेंगी भी तो 200-300, 300-400-500 वैकेंसीज घट सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं घटेंगी। और ये भी चीज़ जो है पूरी की तरह से श्योर नहीं हुई है अभी भी कि घटेंगी या फिर आपकी वैकेंसी उतनी की उतनी ही रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपसे जो भी डिपार्टमेंट है वो आपसे पूछता है कि आपके आपके जोन के अंदर कितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, तो वो आपको भेजनी पड़ती हैं। आपका क्या होता है, जोन क्या करते हैं, हेड क्वार्टर्स में आपकी जो पोस्ट हैं या जो वैकेंसीज़ हैं, टोटल वैकेंट वैकेंसी कितनी है, कितनी आपके पास जो है सीट्स हैं 2023-22 के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें आपको हेड क्वार्टर को भेजनी पड़ती हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर आपका SSC को भेज देता है, ठीक है, तो वहाँ से जो भी नोटिफिकेशन के अंदर आता है वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो भी आपके आरटीआई के रिप्लाई आए थे, वो यहाँ पर आपके जैसे चंडीगढ़ का जोन हो गया मैंने आपको दिखा दिया था, आपको राजस्थान का जोन दिखाया था, फिर मैंने आपको एक हरियाणा का जोन दिखाया था, तो ये जोन ने बताया है कि हमने इतनी वैकेंसी रिपोर्ट की है, ठीक है। अब हेडक्वार्टर ने जस्ट डबल या फिर आपकी डेढ़ गुनी वैकेंसी वहाँ पर रिपोर्ट की है SSC के लिए कि इतनी वैकेंसी है, तो ये है सारा का सारा पूरा का पूरा सिनेरियो, तो इसको आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बाकी जैसे ही रिप्लाई आते रहेंगे मैं आपको यहाँ पर दिखाता रहूँगा। मैंने RTI काफ़ी सारी लगा रखी है, फाइनल वैकेंसी को लेकर भी RTI लगा रखी है 2023 के लिए भी और 2022 के लिए भी। अगर आप लोग यहाँ पर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस मॉक के बारे में बताया, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बिल्कुल मैनर में इस बार बताई गई हैं, ठीक है। 2023 के अंदर टीयर वन का सेफ स्कोर आपको कितना टारगेट करना है, कितना आपको टारगेट करना है, क्योंकि इस बार वैकेंसी 7,500 सिर्फ रिपोर्ट की गई है, ये वैकेंसी बढ़ के आपकी 15,000 तक हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों को क्या था, 37,000 अगर वैकेंसी आपको यहाँ पर रिपोर्ट की गई थी, तो वो आपको पता है कि 114 कट ऑफ गई थी टीयर वन की, तो अभी आप लोगों को टारगेट जो है लगभग 130, 135, 150 तक कर लीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम आने वाली है, ठीक है। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और अभी भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं आपकी सभी डाउट्स क्लियर कर दूँगा। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।